प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पढ़ रहे हैं आगे। अब अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी अर्पिता स्वयं शनि है। अपनी राशि को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो सामान्यतः मकर वालों को शनि नुकसान नहीं पहुंचाता है। मकर राशि के जो लोग होते हैं, इनको बता दूं कि शनि इस राशि में अपयश का कारण नहीं बनता, लेकिन अगर सूर्य शनि का संबंध बन जाए तब अपयश मिलता है, अन्यथा अपयश नहीं मिलता। आप शनिवार को शनि देव के वैदिक मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम शन्नो देवेर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तुनः, इस मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का जप करें, आप अपयश से बचे रहेंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि दूसरी वो राशि है जो शनि को बहुत ज्यादा प्रिय है, इसीलिए कुंभ राशि वालों को शनि अपयश नहीं देता। शनि की काफी प्रिय राशि मानी जाती है। ऐसे लोग किसी की परवाह नहीं करते, कुंभ वाले किसी की परवाह नहीं करते, चाहे आप पैसे वाले हों, पद वाले हों, कैसे भी हों, कुंभ वाले अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। इसीलिए इनको जीवन में बराबर मात्रा में यश और अपयश दोनों मिलता रहता है। शनिवार को शनि देव का शिला वाली मूर्ति का, शनि शिला का सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, निश्चित रूप से आप किसी भी तरह के यश और अपयश से बचे रहेंगे। बिल्कुल। अब आखिरी राशि है मीन राशि। मीन के लिए शनि थोड़ा निगेटिव है अर्पिता, और मीन वालों को अपयश देने में बड़ी भूमिका शनि निभा सकता है। अगर मीन राशि की बात करें तो शनि यहां पर अपयश दे सकता है, बदनामी दे सकता है। यहां शनि व्यक्ति के बारे में र्यूमर्स फैलाता है, झूठी सूचनाएं फैलाता है, झूठे अफवाह फैलाता है, और इस चक्कर में व्यक्ति को अपयश मिल जाता है। आप ऐसा करिए, हर शनिवार को काले कपड़े, जूते और छाते का दान करिए, या काले चने का, काली दाल का दान करिए। ऐसा करने से आप किसी भी तरह के अपयश से बचे रहेंगे। तो आज हमने जाना कि शनि का क्या आपकी जिंदगी में योगदान है अप और यश और अपयश में। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।